आ गया ना गाइस, देखते हैं मुंह में पानी। तो ये वीडियो है खाने के शौकीन लोगों के लिए और स्पेशली पनीर लवर्स के लिए। हेलो गाइस, वेलकम टू बुखड़ परिंदा। तो आज हम बनाने जा रहे हैं गार्लिक चिली पनीर। तो चलिए बनाते हैं। मैंने यहाँ पे लिया है रेड चिली पाउडर। सो 1/4 टेबल स्पून रेड चिली पाउडर मैंने बाउल में डाला है और अब हम डालेंगे गार्लिक जिंजर का पेस्ट। सो हम इसे रेड चिली पाउडर में मिक्स करेंगे और इसके बाद हम लोग इसमें वाटर ऐड करेंगे। सो वाटर मैंने यहाँ पे थोड़ा सा ऐड किया है। अब इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। तो यहाँ पे मैंने वाटर थोड़ा सा ही ऐड किया है। अगर हम लोग वाटर ज़्यादा ऐड करते हैं सो पनीर जो है क्रिस्पी नहीं बनेगा। अब मैंने यहाँ पे लिया है पनीर। तो पनीर मैंने क्यूब शेप में पहले से ही कट करके रखा हुआ है। अब मैं इसे बाउल में डाल रही हूँ। तो अब मैंने यहाँ पे लिया है नमक। तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा नमक ऐड करूँगी। तो आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक ऐड कर सकते हैं। अब इसमें ऐड करेंगे जिंजर गार्लिक पेस्ट जो हमने पहले से ही रेडी करके रखा हुआ था। तो मैंने अब यहाँ पर लिया है 1 टेबल स्पून कॉर्नफ्लावर। सो कॉर्नफ्लावर जो है हम लोग एक साथ ऐड नहीं करेंगे, तो धीरे धीरे हम लोग इसे ऐड करेंगे। तो अभी मैंने यहाँ पर 1 टेबल स्पून ऐड किया है और अब इसे अच्छे से हम लोग पनीर के साथ मिक्स करेंगे। तो अभी तक हम लोग यहाँ पे 1.5 टेबल स्पून कॉर्नफ्लावर ऐड कर चुके हैं और जो पनीर की क्वांटिटी है वो है 200 ग्राम। नेक्स्ट स्टेप में मैंने यहाँ पे ऑयल लिया है पैन में और जो है ऑयल अच्छे से हीट हो चुका है। अब मैं एक एक करके पनीर के पीसेस डाल रही हूँ। तो याद रखिए पनीर के पीसेस हमें एक एक करके डालने हैं, क्योंकि अगर हम लोग सारे एक साथ डालेंगे तो पनीर जो है आपस में चिपक सकता है। अब पनीर को गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई करेंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं ये अच्छे से फ्राई हो गए हैं। अब मैंने इसे प्लेट में निकाल लिया। सो चलिए अब इसके सॉस रेडी करते हैं। और सॉस रेडी करने के लिए मैंने यहाँ पे पैन में 2 टेबलस्पून ऑयल लिया है और मैंने इसमें गार्लिक ऐड किया है। सो गार्लिक ऐड करने से बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है गाइस। अब हम इसे गोल्डन ब्राउन होने तक अच्छे से फ्राई करेंगे। जैसा कि आप देख चुके हैं ये अच्छे से फ्राई हो चुके हैं। अब मैंने इसमें अनियन ऐड किया है। तो अनियन मैंने क्यूब शेप में पहले से ही कट करके रखे हुए थे। अब हम इसे अच्छे से भूनेंगे 1 से 2 मिनट के लिए। जैसा कि आप देख सकते हैं कि अनियन जो है अच्छे से भुन गए हैं। अब मैंने इसमें कैप्सिकम ऐड किया है। अब इसे भी 2 से 3 मिनट तक भूनेंगे। अनियन एंड कैप्सिकम अच्छे से भुन चुके हैं। तो अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ सॉल्ट। तो आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग इसमें सॉल्ट ऐड कर सकते हैं। अब इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। तो अब मैं इसमें ऐड करने जा रही हूँ 1 टेबल स्पून सोया सॉस। यहाँ पर मैंने डाला है 1 टेबल स्पून विनेगर। अब इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। मैंने यहाँ पे ली है टमाटो सॉस। सो यहाँ पे हम 2 टेबलस्पून टमाटो सॉस ऐड करेंगे। और अब इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। अब इसे 1 मिनट तक भूनेंगे। तो नेक्स्ट स्टेप में मैंने एक बाउल में पानी ले लिया है और इसमें 1 टेबलस्पून कॉर्नफ्लावर ऐड किया है और अब इसे हम लोग सॉस में ऐड करेंगे। गाइस, कॉर्नफ्लावर ऐड करते ही सॉस जो है वो थिक होने लग जाती है। तो हम लोग इसे 2 से 3 मिनट तक ही पकाएंगे। तो यहाँ पर सॉस अच्छे से देख सकते हैं आप पक चुकी है। अब हम लोग इसमें फ्राई किया हुआ पनीर ऐड करेंगे और इसे अच्छे से मिक्स करेंगे और इसे 1 से 2 मिनट तक और भूनेंगे। गाइस, हमारा गार्लिक चिली पनीर बनकर रेडी हो चुका है। अब इसे पैन से निकाल कर प्लेट में डालते हैं। सो गाइस देखिए कितना यम्मी लग रहा है। गाइस, स्टे होम एंड बी सेफ एंड ट्राई माय रेसिपीज।
एंड अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी।